हाय गाइस, आज अपन जानेंगे कि एज के हिसाब से इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट तो सभी लोग करते हैं, बट ये लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैंने कितने समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ तक इन्वेस्ट करना चाहिए, काफी सारे कन्फ्यूजन है। तो आज मैं आपकी हेल्प करूंगा जिससे आपके काफी कन्फ्यूजन आई एम श्योर क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को तो प्रेस करना ही है, एंड नीचे मैंने आपको लिंक दिया है। अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना है तो नीचे का लिंक क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो पहला अपन देखेंगे कि जल्दी इन्वेस्ट करो। सबसे पहला रूल क्या है, इन्वेस्ट अर्ली। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे, आपका टाइम होराइजन ज्यादा रहेगा, तो मार्केट में कितने भी फ्लक्चुएशन आए आप उसको आराम से हैंडल कर सकते, बिकॉज यू गॉट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सो इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, मार्केट में कुछ भी उथल फुल हो जाए वो 15 साल में कवर होने ही वाला है, क्योंकि कंपनी खुद को ग्रो करने वाली है। सो द फर्स्ट थिंग इज कौन से एज में कितना इन्वेस्ट करना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले स्टार्ट अर्ली, सबसे पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है, बिकॉज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। सेकेंड टिप, डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, है ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। सो आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, एंड जहाँ पे आपको हर एक सेक्टर में पैसा क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। देन हाउ टू इन्वेस्ट इन एवरी एज, मतलब हर एक आदमी कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप टेंशन मत लो। मार्केट में जो भी वोलेटिलिटी होती है, प्राइस ऊपर नहीं जाते, मार्केट गिरता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, जो भी इम्पैक्ट मार्केट पे होता है, यू विल कम ओवर ऑल दोज डिफिकल्टीज, बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल, आपका जो पीरियड है वो मैक्सिमम पीरियड आपके पास है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, है ना, ये एडवांटेज है। नाउ ये रहा एसेट एलोकेशन जो मैंने कहा था, एंड फिर मैं आऊंगा लास्ट पार्ट पे कि कितना कितना मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए एज के हिसाब से। ये तो मैं आपको तीन बेनिफिट्स बता रहा था, तो स्टॉक, बॉन्ड्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कमोडिटी, रजिस्टर्ड डेरिवेटिव्स, ये बहुत सारे ऑप्शन है, ये बहुत सारे ऑप्शन है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज। तो आइए अभी जानते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए एज के हिसाब से। तो अभी एक कॉमन फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर आपका एज 30 है तो उसको 100 में से माइनस करो। सो 100 माइनस 30 कितना हो गया, 70। तो आपका 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट में होना चाहिए। बेसिक रूल आपको बता रहा हूँ, आपने शायद पढ़ा भी रहेगा। सो ये बहुत सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स है। अगर आपका एज 45 है तो 100 माइनस 45, मतलब 55% स्टॉक मार्केट में। मतलब क्या है, जब एज आपका कम रहेगा 20, यू हैव गॉट लॉन्गर पीरियड, आपको पैसा 60 साल के बाद चाहिए, तो आपका रिस्टिंग कैपेसिटी ज्यादा रहता है, कुछ ऊपर नीचे भी हो गया तो आपका ताकत है काम करके पैसा कमाने की। बट जैसे आपका एज बढ़ेगा, अर्निंग कैपेसिटी अपनी कम हो जाती है, तो फिर स्टॉक मार्केट में से पैसा कम इन्वेस्ट करके फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में पैसा डालना है। तो ऐसे एज के हिसाब से बैलेंस करते जाना है ना, बिकॉज एट द एज ऑफ 60 इफ यू पुट मनी इन स्टॉक मार्केट, व्हाट विल हैपन, देर इज नो गारंटी हाउ लॉन्ग विल लिव, है ना, 10 साल या 5 साल, वी डोंट नो। एंड वो शेयर मार्केट अगर नहीं बढ़ता है तो उस एज में इतना प्रेशर हैंडल नहीं होता है जितना अपन आज कर सकते हैं, इसलिए ऐसा करना है ना। तो अगर आपका एज 20 है तो लगभग मेरे हिसाब से 80-90% पैसा आपका इक्विटी होना चाहिए, एंड आई गारंटी यू आर गोइंग टू गेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स, बिकॉज इवन इफ आई एज्यूम योर एज 60 फॉर रिटायरमेंट, 40 ईयर्स इफ यू पुट मनी, लेट इट बी एनी फंड, आंख बंद करके आपको अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। आप गूगल इट, यू सर्च एनी फंड फॉर एनी स्टॉक मार्केट, एनी शेयर, एनी म्यूचुअल फंड फॉर लास्ट 30-40 ईयर्स, रिटर्न्स आर अबव 30% इन 80-90% केसेस। 5-10% तो लॉस होता ही है, बट अपन तो रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे तो अपना लॉस नहीं होगा। देन ड्यूरिंग 30 कितना होना चाहिए, मैंने कहा था बोलो कितना, 70% स्टॉक में। सो वो 30 का क्या, वो 30 रिटायरमेंट में डालना है, जो मैंने पहले नहीं कहा था। तो 100 में से अगर 80 आपका इक्विटी में जा रहा है तो 20 रिटायरमेंट फंड्स, जहाँ पे जिसको बोलते हैं फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज, जहाँ पे आपका रिटर्न्स एश्योर्ड है, बिकॉज माय रिटायरमेंट इज कंफर्म, आई एम गोइंग टू रिटायर एट द एज ऑफ 60, उसके बाद इनकम आने वाली है तो उसके बाद पैसा लगने वाला है। सेम अगर आपका एज 40 है तो 60% स्टॉक मार्केट में जाएगा एज पर रूल, 40% ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे 20 साल में रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ फिक्स पैसा आना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, करेक्ट ना, क्योंकि अभी आपका रिस्क कम होना, रिस्क कम करना है, क्योंकि एज जैसे बढ़ेगा रिस्क कम ले सकते हैं अपन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, एंड मैंने आपको आइडिया दिया कि ये फॉर्मूला फॉलो करना है, 100 माइनस योर एज, जो रिमेनिंग है वो इक्विटी में, एंड जो बचा हुआ है वो आपको
कहाँ पे डालना है? आपके रिटायरमेंट फंड्स में, ओके। बट ये एक थंब रूल नहीं, मैंने आपको एक जस्ट आइडिया दिया है। आई हैव सीन मेनी पीपल, दे टेक लॉट ऑफ रिस्क एंड दे पुट 100 मनी इन इक्विटी। तो अगर आपका रिस्किंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो आप वो भी कर सकते हो, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट योर रिटायरमेंट इज कन्फर्म, है ना। तो एटलीस्ट कुछ फंड्स आप ऐसे रखो जो आपको रिटायरमेंट में कन्फर्म पैसा आवे, है ना। स्टॉक मार्केट ग्रो रहा अच्छी बात है, बट कब क्या होगा भरोसा नहीं। सो डोंट पुट एंटायर मनी स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, FD में, कुछ ना कुछ आपका अमाउंट होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।